अरावलीझर थाना इलाके के रूपबास स्थित बीच कचोक रेलवे लाइन के पास गुरुवार सुबह करीब 11 बजे निर्माणाधीन मकान का पटाव भर भरा कर गिर गया। इस हादसे में 35 वर्षीय श्रमिक प्रवीण कुमार पुत्र श्रीराम बैरवा निवासी कांटवाड़ी थाना खेड़ली की मौत हो गई, जबकि 42 वर्षीय मिस्त्री गुड्डाराम पुत्र नथी बैरवा निवासी बीजवाड़ थाना मालाखेड़ा, 24 वर्षीय भागचंद्र पुत्र लक्ष्मण मेघवाल निवासी होदयाली थाना मालाखेड़ा व 40 वर्षीय राम खिलाड़ी पुत्र किशोरी जाटव निवासी दिवाकरी थाना एनबी घायल हो गए। पटाव गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पटाव व मलबे के नीचे दबे चारों श्रमिकों को बाहर निकाला गया। इसके बाद चारों को लोडिंग टेम्पो से सामान्य अस्पताल लेकर भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने श्रमिक प्रवीण को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अरावली विहार थाना पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। थाना अधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि इस संबंध में हादसे में घायल श्रमिक राम खिलाड़ी बैरवा निवासी दिवाकरी व मृतक प्रवीण बैरवा के साले वेद प्रकाश पुत्र नथौली बैरवा निवासी बिशनपुरा चारण थाना टोडा भीम करौली ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मकान मालिक ब्रह्मानंद पुत्र रामजीलाल जांगिड़ निवासी रूपबास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक श्रमिक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले की जांच सीओ ग्रामीण सपात खान को सौंपी गई है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये थाना अरावली विहार इलाके में रूपबास में ब्रह्मानंद जांगिड़ का मकान है, जिस पे काम चल रहा था, तो जिसमें मिस्त्री और मजदूर थे जो काम कर रहे थे। ऊपर से एक लेंटर का बल्लियाँ लगी हुई थी, वो उसके हटने की वजह से वो नीचे गिर गई, तो जिससे जो मिस्त्री था उसकी मृत्यु हो गई है। मिस्त्री लक्ष्मणगढ़ कठुमर साइड का रहने वाला है, उसका नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और बाकी जो इसमें घायल हैं, एक राजगढ़ का है और एक एनीबी थाना इलाके का है और एक मालाखेड़ा थाना इलाके का है। और जाँच, हाँ बाकी जाँच कर रहे हैं। क्या नाम है सर तीनों के? इसमें रूडाराम, राम खिलाड़ी और भागचंद नाम है।